सो थंबनेल एडिट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पिकार्ड ऐप की, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो प्ले स्टोर का है, और प्ले स्टोर में आप लिमिटेड फंक्शन यूज़ कर पाएंगे अगर वहाँ से डाउनलोड करते हैं। अगर आपको फुल वर्जन यूज़ करना है तो गूगल में सर्च करके क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम पिकार्ड ऐप को ओपन कर लें और यहाँ पर जो बटन इंडिकेट हो रहा है हम उसको जस्ट क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम एडिट फोटो को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर की बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूजुअली एक वाइट कलर की बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा टूल ऑप्शन पे। टूल ऑप्शन पे जाने के बाद मैं क्रॉप ऑप्शन पे जाऊँगा, और यहाँ पर मैं 16:9 की जो यूट्यूब का थंबनेल साइज है मैं उसको जस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस बटन को प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली ये 16:9 की एक थंबनेल साइज बन जाएगी। ये हमारा है यूट्यूब का थंबनेल साइज। अब मैं अपने फ़ोन को रोटेट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा बड़ा विजुअल दिखा पाऊँ। अब यहाँ पर देखिए मैं जस्ट ऐड फोटो करता हूँ, जो हमारा स्क्रीनशॉट जो लिए हैं हमको जिस फोटो के बेस पे थंबनेल एडिट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पर ऐड फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर रिसेंट पे जाता हूँ और अपने स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर पे जाता हूँ। फोल्डर पे जाने के बाद जो भी फोटो मेरे को एडिट करना है मैं जस्ट उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऐड का ऑप्शन आता है ऊपर, मैं ऐड के ऑप्शन को ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आने के बाद मैं अपने फ़ोटो को एडजस्ट करूँगा अपने थंबनेल साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए जैसे मैं फ़ोटो को रिसाइज कर रहा हूँ वैसे आप भी अपने फ़ोटो को रिसाइज करिए। जिस भी जगह का पोर्शन आपको ज़्यादा चाहिए उस जगह आप जस्ट अपने फ़ोटो को रिसाइज कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो को परफेक्टली रिसाइज कर लिया। आप जस्ट ऊपर कॉर्नर पे जाके राइट बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब जाए आप इफेक्ट ऑप्शन पे। इफेक्ट ऑप्शन अगर आप पहली बार ओपन करेंगे तो ये आएगा आपका एफएक्स पे, जो अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये FX के ऑप्शन पे खुलता है अगर आप पहली बार ओपन करेंगे। बट मैंने कलर्स यूज़ किए हुए हैं तो वो डायरेक्ट कलर्स पे ही जिस ऑप्शन पे गया था उसी ऑप्शन पे ओपन हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको आना है कलर्स पे, उसके बाद यहाँ पर आना है कलर आइज पे। आप जस्ट इस ऑप्शन को ओके कर दीजिए और आपके फ़ोटो पे ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट ऊपर इरेज बटन पे जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है एक बार। क्लिक करने के बाद आपको इन्वर्ट ऑप्शन पे जाना है, जिससे जो ये कलर है वो गायब हो जाएगा। जैसे कि हमने इन्वर्ट ऑप्शन दबा दिया, और उसके बाद हम जाएंगे रिस्टोर ऑप्शन पे। जो हमने कलर गायब किया था अब हम उसको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे कलर हमारा गायब हुआ, अब हम उसको अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे जिस जिस जगह पे हमें वो कलर चाहिए। तो देखिए जस्ट आप जैसे जूम कर लीजिए अच्छे से, और धीरे धीरे आप अपने सब्जेक्ट के आसपास इस कलर को पेंट करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर इरेज बटन को दबा के वापस से उसको मिटा सकते हैं। वापस से रिस्टोर बटन पे जाके आप इसको आराम से पेंट कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पेंट कीजिए चारों तरफ अच्छे से, आप जितना अच्छे से कर पाए उतना ज़्यादा आपके फ़ोटो को रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने। तो मैं यहाँ पर कुछ पार्ट स्किप कर दूँगा और आपको थोड़ा सा आगे चल के देखाऊँगी कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आप करिएगा कि आप चारों तरफ पेंट कर दीजिए धीरे धीरे, बट स्मोक में हम थोड़ा सा पेंट करेंगे और इसको फिर हम इरेज करेंगे इरेजर की कैपेसिटी बहुत कम करके, जिससे हमारे जो स्मोक की इफेक्ट है वो उभर के आए। जैसे कि देखिए मैंने इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम कर दी, हार्डनेस भी कम कर दिया, और इस पर जस्ट धीरे धीरे मैं इरेज करूँगा ताकि हमारा जो स्मोक का इफेक्ट है वो काफ़ी उभर के आए ऊपर। बट यहाँ पर देखेंगे कि आप जस्ट इरेज करेंगे ना तो आपका थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी इरेज हो जाता है, तो हम उसको रिस्टोर करेंगे अगेन, लेकिन रिस्टोर की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे जिससे हमारा कॉर्नर जो है जो वाइट वाइट लग रहा है वो वापस से इस कलर में पेंट हो जाएंगे। तो देखिए जैसे मैं रिस्टोर की कैपेसिटी और हार्डनेस काफ़ी कम कर दिया, और वापस से धीरे धीरे जो जो वाइट पोर्शन मेरे को लग रहा है मैं उसको पेंट कर रहा हूँ अगेन।
अब इधर करने के बाद फोटो में एक नई जान सी आ जाती है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप जस्ट इसको एक बार क्लिक करें, एक ही बार। उसके बाद देख सकते हैं मैंने एक ही बार क्लिक किया, आपको भी एक ही बार क्लिक किया। उसके बाद जाइए आप कलराइज पे, जो कलराइज अप्लाई है उस पर एक बार क्लिक करें। यहाँ पर दिख रहा है फेड, आपको जस्ट फेड को कम ज़्यादा करना है। अगर आप फोटो में कम चाहते हो तो थोड़ा कम कर दीजिए, ज़्यादा चाहते हो तो फुल कर दीजिए। मैं यहाँ पर फुल चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये बहुत ही उम्दा चीज़ है। देखिए आप इसमें कोई भी कलर की बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर जो भी आपको पसंद हो, पिंक, रेड, येलो, जो भी पसंद हो उस कलर को आप यहाँ पे रख सकते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यही कलर पसंद है और मैं इसे में एडिट किया हूँ, तो मैं आपको इसी कलर के बेस पे बता रहा हूँ। जस्ट ओके कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाते हैं। अब हम इसमें एडिट करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हमको चाहिए अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप सबसे पहले टेक्स्ट इस वाले बटन पे जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपका टेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। अब इसमें आप जो भी टेक्स्ट चाहते हैं उसको टाइप करिए। सो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप जस्ट डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए राइट बटन को जो ऊपर है। उसके बाद अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए। आप थंबनेल में उसको कितना बड़ा चाहते हैं, कहाँ पे चाहते हैं, वो आप उस पर जस्ट एडजस्ट करिए। उसके बाद आपके फॉन्ट जो है उसको चेंज कर सकते हैं आराम से। आप देख सकते हैं अगर आपको और फॉन्ट चाहिए तो आप इस बटन पे जाइए और यहाँ पर आप प्रीमियम में भी जाके काफ़ी सारे फॉन्ट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये अगर क्रैक वर्जन है तभी होगा, वरना ये VIP समथिंग कुछ परचेस करना पड़ता है मंथली या साल भर का प्लान, इसलिए मैं कह रहा था कि आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लें। सो अब ये फॉन्ट हम चूज़ कर लेते हैं, ये फॉन्ट मेरे बैकग्राउंड के लिए परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इस फॉन्ट को चूज़ करूँगा और अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग जहाँ भी मुझे चाहिए, जितना भी बड़ा चाहिए उसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। आप भी अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ हमने परफेक्टली अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसको हाईलाइट करने के लिए पीछे शैडो ऐड करेंगे। तो आप सबसे पहले फॉन्ट को टेक्स्ट को क्लिक कीजिए, उसके बाद शैडो पे जाइए, ये रहा शैडो का बटन। इस पर आप कम ज़्यादा करके पीछे शैडो अच्छे से कर सकते हैं, जो भी जितना भी आपको चाहिए, जितना भी आपको पसंद हो। तो इसके बाद हम टेक्स्ट की जो कैपेसिटी है उसको थोड़ी सी कम करेंगे, क्योंकि हमें फॉल्कन और उस स्मोक इफेक्ट को सामने लाना है। तो यहाँ से मैंने कैपेसिटी थोड़ी कम कर दी और यहाँ से जाऊँगा मैं इरेज बटन पे। यहाँ से मैंने इरेज बटन पे जाऊँगा और यहाँ पे जो फॉल्कन है उसके ऊपर जो आर का जो वाइट कलर का पोर्शन आ रहा है, मैं उसको जस्ट इरेज बटन को क्लिक करके इरेज कर दूँगा। आप भी ऐसे करिए। अगर आपको नहीं करना है, मतलब किसी भी चीज़ को ऊपर नहीं दिखाना है टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आप जस्ट टेक्स्ट को अप्लाई कर दीजिए, हो गया और कुछ नहीं करना है। बट अगर चाहते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर कुछ आए, जैसे कि आपकी कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो आप भी ऐसे करिए, जैसे मैंने देख फॉल्कन के पीछे मतलब पंख के ऊपर जो आ रहा था आर का, उसको मैंने जस्ट इरेज कर दिया। इसके बाद मैं थोड़ी सी कैपेसिटी कम कर दूंगा, क्योंकि स्मोक का इफेक्ट है और स्मोक का इफेक्ट एकदम क्लियर लाइन पर नहीं होता, तो मैं थोड़ी सी कैपेसिटी कम कर दिया और हार्डनेस भी कम कर दिया। और इसके बाद मैं इसको धीरे धीरे इरेज कर रहा हूँ। जो जो पोर्शन आपको चाहिए उसके ऊपर जस्ट इरेज कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने परफेक्टली इरेज कर लिया है। अब आपको जस्ट ओके कर देना है ऊपर राइट वाले बटन को, और यहाँ पर जो कैपेसिटी है हमारे टेक्स्ट की, हम उसको पूरी तरह से बढ़ा देते हैं। आप कैपेसिटी पे जाइए और पूरी तरह से इसकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। जैसे हमने बढ़ा दिया, अब हम इस पर टेक्स्ट पे करेंगे कलर, जो मेन थिंग है हमारा कलर वो करेंगे। तो इस ये बहुत सीक्रेट तरीका भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो आप कलर वाले ऑप्शन पे जाइए, कलर वाले बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद जो ग्रेडियंट बटन दिख रहा है बीच में, अब इसको ओके करिए।
अगर आप मोबाइल सीधा पकड़ेंगे तो आपको लेफ्ट राइट दिखेगा, लेकिन जो हमारा काला कलर का जो पोर्शन है, ब्लैक कलर का जो पोर्शन है, जो ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है, जस्ट ओके करेंगे और यहाँ पर हम ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाइट में जाके भी कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जैसा भी चाहे बना सकते हैं। बट मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर को जस्ट इस स्काई कलर, स्काई ब्लू बोलते हैं आई थिंक, उस पर जस्ट ओके कर दिया। आपको भी ये ऐसे कर लेना है अगर आप इस तरह से कलर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सिंपल कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर वाले कलर वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं और यहाँ पर सिंपल एक ही कलर आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। बट हमें ग्रेडियंट चाहिए था, ऊपर नीचे चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो जो हमारा थंबनेल था वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब आपको कोई और भी टेक्स्ट ऐड करना है तो आप सिंपली कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर मॉन्टेज लिख देता हूँ, तो सिंपल आप मॉन्टेज लिख दीजिए और आपको सेम मेथड फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सेकंड टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है सेम मेथड को फॉलो करते हुए। अब देखेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर का बॉर्डर है वो काफ़ी खाली सा लग रहा है, तो हम इस पहले सबसे पहले ब्रशेस पे जाएंगे। ब्रशेस पे जाने के बाद आपको जस्ट डाउन करना है, आप मोबाइल सीधा पकड़ेंगे तो आपको लेफ्ट राइट करते रहना है। देखिए ये जो है ये डाउनलोड होता है, इंटरनेट से डाउनलोड होता है, मैंने बट ऑलरेडी यूज़ कर रखा है तो ये डाउनलोडेड दिखा रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, एक मोटा सा लाइन है, एक पतला सा लाइन है, तो मैं ये पतला वाला लाइन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा फैलता नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट मैं अपने फोटो को जूम कर लेता हूँ और इसके जस्ट बॉर्डर पे ये लाइन जो है ड्रॉ कर दूंगा। आपको भी सेम मेथड से अप्लाई कर देना है, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो थोड़ी छोटी बने। अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक तो कर ही दीजिए और भाई साहब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। किंग अनब्रो के रेट के बाद भी 5000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, व्हाट द फक। कोई ना, मेहनत करते रहेंगे, एक दिन वो भी हो जाएंगे। तो आपको जस्ट सिंपली ऐसे, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए चीज़ कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से करिएगा तो आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। तो हमारा जो इस फॉल्कन के भी अराउंड हम ये चीज़ कर लेते हैं बॉर्डर पे, तो काफ़ी खूबसूरत लगे। और भी बॉर्डरिंग करने के तरीके हैं शॉर्ट, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव लगता है मुझे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं और मैंने इस थंबनेल पे यही अप्लाई किया था, सो ये बहुत बेटर लग रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमको जो भी कैरेक्टर को हाईलाइट करना है तो हम इस तरह से उसके आगे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे जिससे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बॉर्डर जो चारों तरफ बना लिया है जिससे फोटो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और आपको जस्ट इसको आफ्टर बिफोर करके मैं दिखाता हूँ कि कैसा इफेक्ट पड़ा है। तो अब देखिए आफ्टर बिफोर का थोड़ा थोड़ा आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, देखिए साइड वाले बटन को दबा के, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमारा फोटो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो ही चुका है, अब हम इसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल ऐड कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये करने के लिए स्टिकर पे जाइए, यहाँ पर स्टिकर बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक मैंने रिसेंट में जो यूज़ किया था, मैं उसको ब्लैक कलर का जो शेडो है इसको मैं अपने फ़ोटो के नीचे लगा देता हूँ, जिससे मेरे फ़ोटो का नीचे वाला एरिया थोड़ा सा ब्लैक लगे और काफ़ी क्लीन न लगने के बजाय थोड़ा सा, मतलब एक बहुत ही बढ़िया लुक देगा, है ना। नीचे से थोड़ा सा ब्लैक लगेगा तो ऊपर जो है काफ़ी लाइटिंग लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर, जैसे मैंने कर दिया। आप भी ऐसा फोटो में अप्लाई कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर लगेगा, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बट इस फोटो में मैंने अप्लाई किया था तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। वैसे भी यहाँ पे नीचे वाला थोड़ा सा डार्क एरिया लग रहा है। सो अब हम इसमें थोड़ा सा पार्टिकल ऐड करेंगे ताकि फोटो में थोड़ी सी रफनेस आ जाए। तो हम अगेन आ जाएंगे स्टिकर पे
स्टिकर पे जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च पे जाएंगे और सर्च पे लिखेंगे ब्लैक स्क्रैच। पिकार्ट में आप ऐसे ही सर्च करिएगा, आपको जो भी PNG फाइल चाहिए यहाँ पर सब अवेलेबल है। थे ब्लैक स्क्रैच हमने सर्च किया और यहाँ पर सबके कोई भी चीज़ जो फोटो कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ब्लेंड करना है, ब्लेंड को करना है लाइटन पे, जिससे वो वाला स्क्रीन का एरिया वो जो ब्लैक कलर का एरिया वो पूरा पूरा गायब हो जाएगा, जो व्हाइट कलर का पोर्शन है सिर्फ वही बचेगा। यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रीन पे किया लेकिन कुछ ज़्यादा ही डॉट्स लग रहे हैं फोटो में, तो वो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको लाइटन पे करूँगा तो जो हाईलाइटेड डॉट्स थे वो उभर के आ रहे हैं और काफ़ी कम भी लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फोटो। अब हमारा फोटो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, अब हम इस पर बस कलर करेक्शन करना बाकी रह गया थोड़ा सा, मतलब फोटो में थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाने की। तो हम यहाँ पर जस्ट इसको ओके कर देते हैं और हम जाएंगे टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हम एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ पर से हमारा जो कलर करेक्शन का सारा टूल्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। आप ब्राइटनेस चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप क्लैरिटी चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो। आप ऐसे अपने फोटो पे कर करके देखिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा एंड में। सैचुरेशन आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा कलरफुल दिखेगा, बट ज़्यादा कलरफुल बेकार होता है। देखिए तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए आपके फोटो के अकॉर्डिंग। ये जो ऑप्शन है मेरे काफ़ी बेहतरीन लगते हैं, पूरी फोटो की जान बदल देता है। माय गॉड पूरी फोटो में जान सलाह देता है जो भी है। देखिए आप रेड चाहते हैं पूरा रेड हो गया, वाइट, ब्लैक, जो भी चाहते हैं, ब्लैक नहीं आएगी, येलो, ग्रीन, जो भी है आप चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी कलर के थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है ये। हाईलाइट मतलब होता है कि आप किसी वाइट कलर के पोर्शन को ज़्यादा ही रोशनी प्रदान कर रहे हैं एक तरीके से, तो आप उसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। और शैडो का मतलब होता है ब्लैक कलर के एरिए को वाइट कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा ना करिए, आप जस्ट थोड़ा थोड़ा कलर करेक्ट कर लीजिए, आपको जो ज़्यादा बेहतर लगता है वो कीजिए। और टेम्परेचर का मतलब होता है ब्लू और ऑरेंज आई थी जो भी है। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया। आफ्टर बिफोर में देखिए काफ़ी फ़र्क आ चुका है और यहाँ पर जस्ट इस बटन को दबा के फोटो सेव कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।